मैं हूँ वर्षा। किचन क्वीन वर्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट्स करना मत भूलना फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ महाराष्ट्र की फेमस डिश यानी दाल बाटी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारी तरफ बहुत मतलब बहुत यूनिक डिश है। ये हमारे तरफ अगर कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो यही डिश सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ क्रिस्पी करा रही हूँ, अंदर से खस्ता ऐसे बाटी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और उसी के साथ हम दाल की रेसिपी भी देखने वाले हैं। तो इसे कैसे बनाया जाता है, इसके मैं सारे राज आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस दाल बाटी को आप ज़रूर से बना के देखिएगा। बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स खाने में ये दाल बाटी। आप एक बार इसे ज़रूर बना के देखिए, मैंने बताए हुए स्ट्रिक से आप बनाओगे तो बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो है दाल ली है, तो दाल इसे मैंने अच्छे से धो के वाश कर लिया है। अब हम इसे कुकर में सीटी लगाएंगे 5। उसके बाद हम बाटी का आटा लगा लेते हैं। तो उसके लिए हमें एक बड़ी थाली लेना है, और यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा हमें लेना है। ये इस चम्मच से मैं 5 चम्मच गेहूं का आटा लेने वाली हूँ। क्वांटिटी आप आपके हिसाब से रखिए, आपको कितनी बाटी बनानी है उस हिसाब से। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सूजी। यहाँ पे मैंने 1/2 कप बारीक वाली सूजी ली है। आपके पास अगर मोटी सूजी हो तो उसे मिक्सी में पीस लेना। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को जो है हाथों से हमें ऐसे क्रश करके डालना है, अच्छे से रगड़ के। इससे क्या होता है ना, बहुत बढ़िया स्वाद इसमें आता है फ्रेंड्स। तो हाथों की मदद से अच्छे से मसल के हमें इसमें डालना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे फ्रेंड्स कांदा लहसुन मसाला। ये आप जरूर से ऐड कीजिए, इससे बहुत बढ़िया स्वाद आता है, ऐसा नहीं लगेगा तीखा वगैरह। उसके बाद नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं इनो। इनो की वजह से क्या होगा ना फ्रेंड्स, बहुत अच्छी से हमारी बाटी जो है वो फूलेंगी। तब इस सब चीजों को अच्छे से हमें इसे मिक्स कर देना है। आपके पास अगर गेहूं का आटा ना हो तो आप इसे मकई के आटे से भी इसे बना सकते हो फ्रेंड्स। उसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम ऑयल लिया है, ज्यादा गरम नहीं है, 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है। अभी ऑयल डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। ऑयल थोड़ा सा गरम है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हमें इसे अच्छे से रगड़ना है, क्योंकि हमने इसे ऑयल डाला है तो इसमें गांठे पड़ सकते हैं। तो हम इसे अच्छे से हम इसको मसल लेंगे। ये देखिए, मैं जैसे बता रही हूँ आपको वैसे करना है। उसके बाद अब हम इसे चेक करके देखते हैं। ये देखिए, हम इसे मुट्ठी बांध के देखना है। ऐसे अगर बन रहा है तो हमने इसमें जो ऑयल डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे आप ऑयल की जगह घी का भी यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने गुनगुना पानी लिया है। पानी भी आपको हल्का गर्म ही लेना है, ठंडे पानी से हम इसे आटा नहीं लगाएंगे इसका, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका आटा लगा लेना है। ज्यादा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही हम इसका आटा लगाएंगे। हमें इसका आटा ज्यादा सख्त और ज्यादा नरम नहीं लगाना है, मीडियम ही हम इसको लगाएंगे। ये देख सकते हो आप, अच्छे से हम इसको मसलना है आटे को। और थोड़ा पानी डालेंगे, आपको जितना चाहिए उतना ही आप इसमें पानी यूज कीजिएगा, ज्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये पतला हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है, ना ज्यादा सख्त है ना ज्यादा सॉफ्ट है, यानी नरम है। अब थोड़ा सा ऑयल डाल के हम इसको मसलेंगे, ताकि इसमें पपड़ी वगैरह ना आए, इसीलिए हम इसे ऑयल लगा लेंगे। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम दाल बना लेते हैं। दाल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रखी है, उसमें हम 4 टीस्पून ऑयल डाल लेंगे।
ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्याज लिया है बारीक कटा हुआ, एक टमाटर लिया है, हरा धनिया लिया है, मूंगफली लिए है और लाल मिर्च लिए है और कड़ी पत्ता लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च और उसमें मैंने नारियल का बुरादा डाला है। अब सबसे पहले हम इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे, कड़ी पत्ता को थोड़ा सा तड़कने देंगे। उसके बाद लाल मिर्च डाल देंगे इसमें तीन। उसके बाद मूंगफली को डाल देंगे, मूंगफली को ज्यादा हमें फाइन नहीं पीसना है, दरदराई हम इसके रखेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन मिर्च का पेस्ट, इसमें मैंने नारियल का बुरादा भी ऐड किया है। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, अच्छे से भून लेना है हमें सभी चीजों को। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, प्याज डाल के सभी चीजों को अच्छे से भून लेंगे। देखिए सब चीजें अच्छे से भून गई है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर, अच्छे से मिक्स कर देंगे टमाटर डाल के। ये दाल बाटी ना फ्रेंड्स, सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, कोई इस बाटी को भूनता भी है तो सब अलग अलग प्रकार से बनाते हैं। उसके बाद हरा धनिया मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा, लेकिन मैं जैसे बता रही हूँ ना फ्रेंड्स, आप एक बार उसे उस टाइप से जरूर से बनाकर देखना। आप बार बार इस दाल बाटी को बनाओगे, बाहर की दाल बाटी खाना भी भूल जाएंगे फ्रेंड्स, आप इस दाल बाटी अगर ऐसी वाली बनाएंगे तो। अभी देखिए मसाले जो है अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा टीस्पून हल्दी ली है, उसके बाद कश्मीरी लाल डाल देंगे हम इसमें दो टीस्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला एक टेबलस्पून, उसके बाद कांदा लहसुन मसाला एक टेबलस्पून। अभी सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे, अच्छे से हमें मसाले को भूनना है किसी भी सब्जी में फ्रेंड्स। अगर मसाला अच्छा भुना होना तो उसकी टेस्ट बहुत बढ़िया आती है, तो मसाले को आपको अच्छे से भूनना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि थोड़ा सा टमाटर जो है गल जाए, ज्यादा नहीं थोड़ा सा बस नॉर्मली। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये ऑयल ना रिलीज कर दे। ये देखिए ऑयल रिलीज कर दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेरा वीडियो स्किप हो गया था, डिलीट हो गया था, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे बस आपको दाल डाल देनी है, तो वीडियो मुझसे स्किप हो गया है। दाल डाल के पानी डालना है। यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। नमक डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। अभी देखो दाल को जो है उबाल आ गया है, अब हम इसे इसी 10 मिनट के लिए उबालने देंगे लो मीडियम फ्लेम में। देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया हमारी दाल दिख रही है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। आप इस प्रकार से दाल को जरूर बना के देखिए। अब देखिए हमारी दाल जो है रेडी हो गई है, अब हमारे पार्टी के आटा तरफ जाते हैं। यहाँ पे आटा भी अच्छे से रेस्ट हो गया है, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे दो हिस्से में डिवाइड कर देंगे। ये देखिए मैंने दो हिस्से में इसे डिवाइड कर दिया है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं मीडियम साइज के, इसके हमें 4, इसके 4 और दूसरे वाले के 4, ऐसे हमें 8 बॉल्स इसके बना लेने हैं। अब हमें इडली की प्लेट में बनाने वाले है, तो ये देखिए उसमें से एक हिस्सा लेना है और ऐसे इसे गोल गोल घुमाना है, ऐसे बॉल की शेप दे देनी है हमें इसे। ये देखिए इस प्रकार से, ज्यादा नहीं रगड़ना है आपको, हल्के हाथों से इसका बॉल बना लेना है। इसी प्रकार से जो है मैं सभी बॉल्स को बना के रेडी कर लूंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे सभी बॉल्स को रेडी कर लिया है, इस आटे से मेरे 8 बॉल हुए है। तब हम यहाँ पे इडली की प्लेट ले लेंगे, उसे हम ऑयल लगा देते हैं ताकि ये नीचे चिपके ना, अच्छे से ऑयल से इसे ग्रीस कर लेंगे।
अब एक एक बॉल्स को इसमें हमें रखना है। इसे थोड़ा सा दबा देंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल ही। मैंने यहाँ पे सेकंड और फोर्थ वाली प्लेट ली है, ये या आपको याद रखना है। या तो आप फर्स्ट वाली ले लेना या थर्ड वाली ले लेना, ताकि जब फूलेंगे ना तो एक एक दूसरे को चिपकेंगी नहीं। यहाँ पे मैंने इडली स्टैंड में पहले से ही पानी गर्म होने के लिए रखा है, उसमें हम इडली प्लेट को रख देंगे, ऊपर से ढक्कन लगा देंगे और हमें इसे 20 मिनट के लिए स्टीम होने देना है। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करते हैं। वाह, ये देख सकते हैं हमारी बाटी जो है कितनी अच्छे से फूल गई है। अब हम इसे चेक करके देखते हैं। चाकू डाल के देखेंगे, देखिए बिल्कुल क्लीन आया है चाकू, इसका मतलब ये अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए सभी बॉल्स बाटी को मैंने इसमें निकाल लिया है। अब हम इसे कट कर लेते हैं, ऐसे बीच में से कट लगा लेना है और इसको दो हिस्सों में कट करना है, इसे दो। आप आपके मनपसंद के शेप में इसे कट कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। ये देखिए ऐसे कट कर लेना है। इसी प्रकार से मैं सभी को कट कर लूंगी। ये देखिए सभी को मैंने जो है इस साइज में कट कर लिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पहले ही ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो हम एक एक बाटी को इसमें डालेंगे। ऑयल को जो है अच्छे से हमें इसको गर्म होने देना है, तभी हम इस बाटी को इसमें डालेंगे। अभी सभी बाटी को हमें मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेना है। अभी हम इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में बस हम इसको साइड से हमें उसमें ऑयल ऊपर से इसे डालते जाएंगे और इसको फ्राई होने देंगे। बाटी को हमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है फ्रेंड्स। अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देते हैं, ताकि इससे क्या होगा ना, तो लो फ्लेम में ये फ्राई होंगी तो अच्छा क्रिस्पी करारापन आएगा फ्रेंड इसमें। ये देखिए हमारी बाटी को कितना बढ़िया कलर आ गया है, आप देख सकते हो, और कितनी क्रिस्पी भी दिख रही हो। अभी यहाँ पे गैस की फ्लेम को मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी बाटी जो है अभी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो कितने बढ़िया दिख रही है और कलर भी कितना बढ़िया आया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। सभी बाटी को निकाल लेंगे हम। इसी प्रकार से मैं बाकी की बाटी को भी फ्राई कर लूंगी। हमारी तरफ इस बाटी को बट्टी बोला जाता है, आपकी तरफ इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ये देखिए फ्रेंड्स सभी बाटी को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये देखिए मैं अभी एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देख सकते हो आप, अंदर से भी कितनी सॉफ्ट खस्ता बनी है फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हो। तो चलिए हम इसकी प्लेट लगा लेते हैं। तो प्याज और नींबू के बिना तो दाल बाटी अधूरी है फ्रेंड्स, आप इसके साथ दाल बाटी खाओगे ना तो बहुत बढ़िया टेस्ट लगेगी। अभी सभी बाटी को एक एक करके हम इसमें रख देते हैं। सभी बाटी को मैंने रख दिया है, अब हम इसमें दाल डाल देते हैं। ये देख सकते हो दाल फ्रेंड्स कितनी बढ़िया बनी है। ऊपर से हरा धनिया डाल देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स महाराष्ट्रीयन स्टाइल दाल बाटी हमारी बनके रेडी हो चुकी है खाने के लिए। तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरी ये दाल बाटी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट्स करना मत भूलना फ्रेंड्स। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।